एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। ये डब्बा बेचने को आए क्या है? इसके मैं तुम्हारे को सिर्फ 2000 रुपए दूंगा। अरे ये डब्बा नहीं, ये मेरी गाड़ी है और मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ। तुम इसके मालिक क्या? हाँ। सूरत से नहीं लगते ना? है? क्या 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 मतलब? सूरत से तुम्हें हमारी जात वाले लगते हैं। ठीक है ठीक है, ये बताओ इस झूले का क्या लोगे? अयो ये झूला? हाँ। ये तो बहुत खास झूला है भाई, 1500 रुपए से एक दमड़ी कमती नहीं लूंगा मैं। वाह 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 वाह, ये जंग पकड़े हुए झूले के 1500 रुपए, वाह। जय हजरत, ये हमारी तुम्हारी उम्र का झूला है, जंग नहीं पकड़ेगा तो और क्या पकड़ेगा भाई। इसका किस्सा सुनो, बड़े बड़े नवाबों की जो औलाद है ना, ये झूले में झूल के निकली। तुम लेके जाओ ये झूले को और झूल के निकलो। ठीक है, झूला गाड़ी में रखो और ये लो 1500 रुपए। जय 1500 गाय को देते जी, 500 रुपए मेरे से लो और ये डब्बा मेरे पास रख दो। अरे खाश, ये झूला रखो गाड़ी में। हाँ रखता हूँ भाई। हमारी बहू कभी ऐसा जलील कदम नहीं उठा सकती, बेवकूफो। ये तो एक ऐसी नेक औरत है कि जिसके साए में अगर शैतान भी बैठ जाए तो फरिश्ता हो जाए। दादा हुजूर, बिल्ली की लाश टेबल पे पड़ी है, दूध में जहर डालने वाली आपके सामने खड़ी है, फिर भी आप रुखसार को बेकसूर समझ रहे हैं? इस औरत को खरीदा भी तो जा सकता है, क्या सबूत है तुम लोगों के पास कि इसे रुखसार ने खरीदा है? कोई और भी तो खरीद सकता है। इसे रुखसार ने ही खरीदा है नवाब साहब, और ये रहा सबूत। दादा हुजूर, ये मेरा ये ब्रेसलेट नगमा की शादी में कहीं खो गया था। सुन लिया? सुनना क्या है, सबूत के साथ पकड़ी गई तो ब्रेसलेट खो जाने का बहाना बना दिया। असलमिया, ये अपना गुनाह कबूल नहीं करेगी, बड़ी फरेबी और मकार है ये। मैं तो कहती हूँ इसे अभी और इसी वक्त तलाक दे दो। नहीं नहीं असलम, ऐसा मत करना। असलम, इस पर कोई रहमत करो, तोड़ दो इससे तमाम रिश्ते नाते। हाँ हाँ, तलाक दे दो इसे। रुखसार, अपना गुनाह कबूल कर लो वरना मैं तुम्हें। नहीं नहीं असलम, नहीं, खुदा के लिए मुझे मुझे तलाक मत देना, मुझे तलाक मत देना असलम, मुझे मुझे ये गुनाह कबूल है। रुखसार। जी हाँ दादा हुजूर, नगमा को जहर देने के लिए मैंने ही इस औरत को भेजा था, मुझे अपना गुनाह कबूल है असलम, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कभी तलाक मत देना, मुझे कभी तलाक मत देना। रुखसार, हम जानते हैं कि तुम बेगुनाह हो, तलाक के डर से ये गुनाह अपने सर न लो, कह दो कि ये झूठ है, सरासर झूठ है। नहीं दादा हुजूर, मैं गुनहगार हूँ, मैंने ही नगमा को जहर देने की साजिश की थी। मैं तुम्हें तलाक भी नहीं दूंगा और तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा, यही तुम्हारी सजा है। अरे नामुरादो, तुमने असलम की आंखों पर भी पर्दा डाल दिया है, मेरी बहू पर झूठी तोहमत लगाने वालों, निकल जाओ इस हवेली से, निकल जाओ। जाते हैं नवाब साहब, लेकिन याद रखिए मैं भी अजगर हूँ जो दस्ता नहीं निकल जाता हूँ। हाँ चल, तुझे तो मैं हवाला तो बंद करवाऊंगा। चल कर लेना साहब, काहे को मेरे को पकड़ दे। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये लो, ये रहा तुम्हारा इनाम। क्या बाबा, हाथ तो तुम बहुत बड़ा मारे ना, फिर कभी ऐसा नाटक रहे तो बंदी को ही याद करना मिया। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अगर इस कबाड़ी की दुकान से ये पुराना झूला खरीद कर इसी झूले पर सोने का पानी चढ़वा दूं तो असलम मियां के लाखों रुपए निकल सकता हूँ। बाबा खुदा की कसम, कैसे कैसे कभी नहीं आइडिया दिमाग में आते, ये आइडिया मुझे अमीर बनाकर ही छोड़ेंगे। हाँ। अरे कबाड़ी मियां। अच्छा अच्छा, तुम्हें है क्या ये डब्बा बेचने को आए क्या? है? इसके मैं तुम्हारे को सिर्फ 2000 रुपए दूंगा। अरे ये डब्बा नहीं, ये मेरी गाड़ी है और मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ। तुम इसके मालिक क्या? हाँ। सूरत से नहीं लगते ना? है? क्या 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 मतलब? सूरत से तुम्हें हमारी जात वाले लगते हैं। ठीक है, ये बताओ इस झूले का क्या लोगे? अयो ये झूला? हाँ।
ये तो बहुत खास झूला है भाई, 1500 रुपए से एक दमड़ी कमती नहीं लूंगा मैं। वाह 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 वाह, ये जंग पकड़े हुए झूले के 1500 रुपए, वाह। जय हजरत, ये हमारी तुम्हारी उम्र का झूला है, जंग नहीं पकड़ेगा तो और क्या पकड़ेगा भाई। इसका किस्सा सुनो, बड़े बड़े नवाबों की जो औलाद है ना, ये झूले में झूल के निकली। तुम लेके जाओ ये झूले को और झूल के निकलो। ठीक है ठीक है, झूला गाड़ी में रखो और ये लो 1500 रुपए। जय, 1500 काय को देते जी, 500 रुपए मेरे से लो और ये डब्बा मेरे पास रख दो। अरे खामोश, ये झूला रखो गाड़ी में। हाँ रखता हूँ भाई। नगमा, अरे नगमा बिटिया। जी मामू जान। अरे जुल्म पर जुल्म हो रहा है, अब तू नंबर 2 पर नहीं नंबर 9 पर पहुँच जाएगी। हाँ क्यों, ऐसा क्या हो गया मामू जान? अपनी आँखों से देख कर आ रहा हूँ बेटी, नवाब साहब ने रुखसार के होने वाले बच्चे के लिए सोने के पालने का एडवांस में ऑर्डर दे दिया है और उसमें इतने इतने मोटे मोटे ही जड़वाए हैं। हाँ, वहाँ एक बच्चा शहजादों की तरह जिएगा और यहाँ दूसरा बच्चा भीख मंगों की तरह। हमारी बेचारी नगमा पर एक के बाद दूसरा पहाड़ टूटता रहता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, उसका बच्चा हवेली की ऊंची ऊंची दीवारों में सांस लेगा और इसका बच्चा 10x10 के कमरे में। उसके लिए लंबी लंबी आलीशान बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी और इसके बच्चे के लिए इसके अबू की पुरानी टूटी फूटी वही फीएट। मेरा बच्चा भी सोने के पालने में झूलेगा, उसके लिए भी आलीशान गाड़ियां होंगी, वो भी नवाबों की तरह जिएगा। ओहो, तू तो जागते हुए भी खाब देखती है। हाँ जी, तेरे बैंक अकाउंट की सेहत बहुत खराब है। हाँ मेरी बात मान, तू फिर से शोज और मॉडलिंग का काम शुरू कर दे। अरे सोने का नहीं, कम से कम चांदी का पालना तो आएगा। नगमा को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे बच्चे के लिए भी सोने का पालना आएगा और आलीशान गाड़ियां भी। पर ये कैसे होगा सलमिया, उसके लिए लाखों रुपए चाहिए। पालना खरीदने में खुद चलता आपके साथ, लेकिन मुझे आज एक जरूरी बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली जाना है। कितना भी रुपया लगे मामू जान, लेकिन पालना हवेली वालों से बड़ा होना चाहिए। ये लीजिए, पूरी चेकबुक साइन कर दी है। असलम बेटा, मुझ पर इतना भरोसा ना करो कि मुझे अपने आप पर शक होने लगे। मामू जान, अपनों पे भरोसा किया जाता है, शक नहीं। जीत रहो बेटा, जीत रहो। आप मुझे एयरपोर्ट छोड़ने नहीं चलेंगी? जी हाँ चलिए। अजगर नाम है मेरा। जानती हूँ जी, आप डसते नहीं निगल जाते हैं। नवाब साहब, अल्लाह ने चाहा तो रुखसार बिटिया को चांद सा बेटा होगा। नवाब साहब, मुबारक हो नवाब साहब। हाँ हाँ बोलो। रुखसार मैडम को बेटा हुआ है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये लो बेटी, ये तेरा इनाम। जी नहीं। ले लो बेटी, तुम्हारा इनाम है। शुक्रिया। मुबारक हो नवाब साहब। आपको भी। असलम बेटे, बहुत बहुत मुबारक। अल्ताफ अहमद साहब, मुबारकबाद तो उन्हें दी जाती है जिन्हें सुनकर खुशी होती है। इन्हें तो सिर्फ इत्तला देनी है कि हमारी बहू रुखसार ने अभी अभी हमारी हवेली के वारिस को जन्म दिया है। रुक जाओ, आज हम परदादा बने हैं। ये लो, सारे अस्पताल में मिठाइयां बांट दो। सिस्टर, ये लो, ये लो, सब बच्चों में मिठाइयां बांट दो, बाकी का ये रुपया गरीबों में खैरात कर दो। बेवाओं की मदद करो, भूखों को खाना खिलाओ, हमारे पोते की जिंदगी का सदका दे आओ। जाओ ले जाओ।
अरे नवाज साहब ने पूरा ब्रीफ केस खाली कर दिया। दो कौड़ी की नर्स को 20,000 रुपए दे दिए, डॉक्टर को सोने की घड़ी दे दी, जैसे बाप का माल है। अरे ये सारी दौलत तो तेरी होने वाली औलाद की है और लुटाई जा रही है दुश्मनों की औलाद के सदके। देखिए डॉक्टर साहब, मेरी भांजी को बेटा ही पैदा होना चाहिए। अगर बेटी पैदा हुई ना तो मैं इस अस्पताल को आग लगा दूंगा, फिर यहाँ कोई बच्चा वच्चा पैदा नहीं होगा। हाँ, आप पागल तो नहीं है? क्या आप दिमाग चेक करवा के आइए? क्यों, मेरे दिमाग में कोई खलल है क्या? खलल? मुझे तो लगता है कोई दिमाग ही नहीं है। इसका मतलब है कि मैं बगैर दिमाग के जी रहा हूँ। अजी साहब, बेटा या बेटी पैदा करना ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। ऊपर वाले के हाथ में है? इसका मतलब है कि साइंस ने कोई तरक्की नहीं की।